हेलो वेलकम एवरीवन, लेट अस प्रोसीड फर्दर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव अ सेम बेस, दोनों का बेस सेम है। इफ द साइड ऑफ ट्राइंगल आर 26, 28 एंड 30 सेंटीमीटर एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28, दोनों में कॉमन बेस है, ये वो बेस ये रहा 28, जो इसका भी बेस है और ट्राइंगल का भी बेस है। ठीक है, लेट ट्राइंगल बी ए बी सी डी एंड ई, बी सी डी ई इज अ पैरेललोग्राम और बाकी दो साइड है 26 एंड 30, दोनों के एरियाज भी सेम है, रिमेंबर दे हैव सेम एरिया और बेस भी सेम है। फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, पहले काम लिखते हैं खाली, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये गिवन में है। पहले हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू 26 प्लस 28 प्लस 30 होल डिवाइड बाई 2, दैट इज 84 बाई 2 विच इज इक्वल टू 42 एंड एरिया इज इक्वल टू 42 माइनस फर्स्ट साइड जो 26 है, 42 माइनस सेकेंड साइड दैट इज 28, 42 माइनस थर्ड साइड विच इज 30। सो 42, 16, 14 एंड 12, क्लियर। इसको 16 का रूट हमको पता है क्या होता है, 4। 42 को स्प्लिट करते हैं, लेट अस सी, सेवन सिक्स ज़ा 42, 14 का लिखते हैं, 7 2 ज़ा 14 और 4 3 ज़ा 12, 7 की पैर बन गई तो एक 7 बाहर आ जाएगा, 4 का रूट निकलता है 2, ये 3 2 ज़ा 6 है और ये भी तो 6 है तो एक 6 भी बाहर निकल गया, पूरा स्क्वायर रूट ही निकल गया उसमें से, एंड दस ऑन मल्टीप्लीकेशन वी विल गेट 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। शुरू में ही लिखा है कि दोनों का एरिया सेम है, जो ट्राइंगल का एरिया है वही एरिया पैरेललोग्राम का है, क्लियर। तो अब लिख देंगे भाई, नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम नेम है बी सी डी ई इज इक्वल टू 336, उसका ये फॉर्मूला भी है, बेस इंटू हाइट डेट इज एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 336, बेस है 28 जो हमको दिख रहा है फिगर में दिया ये क्वेश्चन में, सो बेस में 28 लिख देंगे, 28 इंटू एल्टीट्यूड इज इक्वल 336, एल्टीट्यूड बोलो या हाइट बोलो 336 बाई 28 विच इज 12 सेंटीमीटर, दिस इज एल्टीट्यूड। सो हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज 12 सेंटीमीटर, क्लियर, सम कंप्लीटेड। नेक्स्ट, अ रोम्बस शेप फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउस, एक रोम्बस है, ये ए बी सी डी रोम्बस है, ये रोम्बस एरिया में 18 काउस जो ग्रेस कर सकती है। इफ ईच साइड ऑफ रोम्बस इज 30, रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सो हर जगह पे 30 लिख दो, एंड डायगोनल लॉन्गेस्ट डायगोनल, दिस डायगोनल इज 48, देन हाउ मच एरिया ईच काउ विल गेट
फॉर ग्रेजिंग, पहले मुझे पूरा एरिया फाइंड करना पड़ेगा जो 18 काउ के लिए है, फिर डिवाइड बाय 18 तो वन काउ का एरिया मिल जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फाइंड करूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डेट इज एस इज इक्वल टू 30 + 30 + 48/2 डेट इज 108/2 विच इज इक्वल टू 54। क्लियर? नाउ एरिया, फॉर्मूला ऑफ एरिया, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 54, 54 माइनस फर्स्ट साइड, 54 माइनस सेकंड साइड, 54 माइनस थर्ड साइड विच इज इक्वल टू 54 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 6, 14 की पैर बन रही है तो 14 बाहर आ जाएगा। नाउ 54 सो नाउ वी हैव गॉट 54 इंटू 6 एक्चुअली, सो 6 नाइन्स आर 54 होता है और ये 6 बाकी है, 6 की पैर बन गई तो एक 6 बाहर लिख दो और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, सो 14 इंटू 6 इंटू 3 दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 432 मीटर स्क्वायर। अब ट्राइंगल का मिल गया, दोनों ट्राइंगल इक्वल होते हैं हमेशा याद रखना, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम ये सब में ये ट्राइंगल का एरिया आ जाए उसका डबल कर दो तो तुमको पूरा एरिया मिल जाता है इन केस ऑफ रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम एंड स्क्वायर। गॉट इट? देयरफॉर एरिया ऑफ फुल रोम्बस ए बी सी डी इज इक्वल टू डबल कर दो 2 इंटू 432 विच इज इक्वल टू 864 मीटर स्क्वायर। अभी इतने एरिया में कितनी काउ ग्रेस करती हैं? 18 काउ, तो 18 काउ के लिए इतना एरिया है तो 1 काउ के लिए कितना एरिया है? क्लियर? ठीक है, 18 काउस हैज एरिया ऑफ दिस मच मीटर स्क्वायर फॉर ग्रेजिंग, 1 काउ विल हैव हाउ मच एरिया? दस 1 cow get area for grazing is equal to 864 into 1 by 18, मतलब 18 से खाली डिवाइड करना है, that is 48 meter square, sum completed, got it, goodbye।